ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 लॉन्च होने के बाद ही यूजर्स के अंदर एक क्वेरी आ गई थी कि क्या सैमसंग गैलेक्सी S10 का वेट किया जाए या फिर नोट 9 को खरीद लिया जाए। और अब सैमसंग गैलेक्सी S10 को लेकर कई सारे लीक्स सामने आ गए हैं और इस वीडियो में मैं उन सभी लीक्स के बारे में आपको बताता हूं। और इसके बाद शायद जो आपकी क्वेरी है कि सैमसंग गैलेक्सी S10 का वेट किया जाए या नहीं, वो कुछ हद तक ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी S10 में खास। अब सबसे पहले मैं आपको इस फ़ोन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसी के बारे में बताता हूँ। यानी माना जा रहा है कि इस बार सैमसंग गैलेक्सी S10 के आपको 4 मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं, यानी गैलेक्सी S10, S10 Plus, S10 X और S10 X 5G। और इनमें आपको 4GB, 6GB, 8GB और 12GB की रैम देखने को मिल सकती है, यानी Xiaomi Mi Mix 3 और Xiaomi Hilo से 2GB की एक्स्ट्रा रैम। और अगर ऐसा हुआ तो ये आप सब यूज़र्स के लिए बहुत ही धमाकेदार ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि खबर ये भी है कि Samsung Galaxy S10 और S10 Plus में आपको 5.8 इंच का डिस्प्ले, Samsung Galaxy S10 X और S10 X 5G में आपको 6.44 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जो कि इस बार भी सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। इसके साथ साथ माना जा रहा है कि S10 Plus और S10 X में आपको 3 रेयर कैमरा देखने को मिलेंगे, यानी 16+13+12 मेगापिक्सल के ट्रिपल रेयर सेंसर्स। इसके अलावा डिज़ाइन लैंग्वेज को देखा जाए तो सैमसंग डेफिनेटली इस बार अपने फ़ोन में काफ़ी मेजर अपग्रेड करने वाला है, क्योंकि हाल ही में कंपनी ने चाइना में एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जहां पे कंपनी ने अपनी नई टेक्नोलॉजी को शोकेस किया था, यानी अंडर पैनल सेंसर। और अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो आपको भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि शायद कंपनी इस बार कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाए कि जो फ्रंट कैमरा होगा वो डिस्प्ले के अंदर ही होगा। जब आप फ़ोन को यूज़ करेंगे तो वो कैमरा हाइड हो जाएगा और जब आप कैमरा ऑन करना चाहेंगे तो वो पोर्शन ब्लैक हो जाएगा। हालांकि इस पर अभी कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन इस फोटो के अनुसार ये बात तो कंफर्म है कि इस बार आपको इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ साथ फेस आईडी भी इस फोन में मिलने वाली है। और साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेजल भी सैमसंग इस बार अपने बहुत ही स्लीक कर देगा और आपको एक रिफ्रेश्ड नया फोन देखने को मिल जाएगा। अब हालांकि खबर तो ये भी आई कि शायद आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट मिले और एंड्रॉयड पाई देखने को मिले, लेकिन ये सब अभी र्यूमर्स और लीक्स के तौर पर ही सामने आया है। अभी तक कोई भी पुख्ता इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई है, पर जैसे ही हमेशा की तरह हमारे पास एक कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन आएगी, हम आपके सामने एक और नया वीडियो लेके आएंगे जिससे आपकी क्वेरी पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। पर anyway, अभी फिलहाल अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एज यूजुअल अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दी गई आईडी जाके हमसे चैट कर सकते हैं, या फिर मैंने अपनी पर्सनल आईडीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।